अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं हूँ गुजरांवाला गाड़ियों के जुमा बाज़ार में, और यहाँ आपको दिखाएंगे कम प्राइस वाली जो गाड़ियाँ होगी वो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे कुछ लोग अभी गाड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ यहाँ से ख़रीद के जा रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं पीछे जुमा बाज़ार लगा है, और कुछ लोग आए हैं ख़रीदने के लिए और कुछ बेचने के लिए आए हैं। गाड़ियाँ आपको दिखाते हैं कम प्राइस वाली, और ऑनर का नंबर भी आपको दे देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर रब्ता कर लीजिएगा। एक नंबर होगा, जितनी भी गाड़ी दिखाऊंगा वो उस पर आप रब्ता करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो में आपको डिटेल से ये गाड़ियाँ दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये है गाड़ी सुजुकी वैगनार, जापानी है, 2016 का मॉडल और 21 की इम्पोर्ट है, और 16,50,000 ये डिमांड कर रहे हैं। कंडीशन आपको दिखा देते हैं गाड़ी की डिटेल से, व्हील कप इसमें लगे हैं, और ये 2016 का मॉडल है, 20 की इम्पोर्ट है और 21 का नंबर लगा है, वाइट कलर में है। कंडीशन आपको डिटेल से दिखा देते हैं, और ये बैक साइड से कंडीशन है इस गाड़ी की, ये है सुजुकी वैगनार जापानी, और ये अंदर से कंडीशन है। और बाकी गाड़ी दिखा देते हैं आपको, ये देख सकते हैं आप इसके ये मिरर चारों एडजस्टेबल हैं और ऑटो हैं। इंजन भी अभी आपको दिखा देते हैं, और ये बैक डोर की कंडीशन है, और ये अंदर से आप देख लें ये कंडीशन है। और अभी इसका इंजन आपको दिखा देते हैं किस कंडीशन में है, और ये अभी मैं चलता चलता इसके इंजन की हदूद में पहुंच चुका हूँ। ये इसके इंजन की कंडीशन आप देख लें, और ये बोनट देख लें आप। ये थी गाड़ी जो का मैंने आपको दिखा दी है जी। तो ये इस गाड़ी के ओनर हैं, इनसे पूछते हैं ये इस गाड़ी कितनी डिमांड कर रहे हैं। 16.5 लाख। तो अभी तक कोई लगे इसकी कीमत लगी है? हाँ जी, 16 लाख लगा। ठीक हो गया। तो कहाँ से आप आए हैं? आप जहाँबाद से। अच्छा, तो ये गाड़ी कितनी एवरेज देती है आपको? 19-20 की एवरेज देती है गाड़ी। ठीक हो गया। तो ये गाड़ी जो पर एसी इसका किस कैसा है? एसी बहुत अच्छा है, दूसरी वैगनार से अच्छा है इसका एसी, पाकिस्तानी वैगनार से अच्छा है इसका। हाँ जी, ठीक हो गया। तो ये थी गाड़ी जो कि आपको दिखा दी गई है, और ये इनका रिव्यू भी आपको दिया गया है, और ये गाड़ी आप खरीद सकते हैं। ओनर का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर रब्ता करके इस गाड़ी के बारे में पूछ सकते हैं। और ये मित्सुबिशी इको वैगन है, ब्लैक कलर में है, 2015 का मॉडल है और 2019 की इम्पोर्ट है। ब्लैक कलर में ये गाड़ी अलॉय व्हील इसमें मौजूद है, और 19 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं। कंडीशन आपको डिटेल से दिखा देते हैं इस गाड़ी की, ये इसकी बैक लुक से बैक से कंडीशन है। ये मित्सुबिशी इको वैगन है, और ये ब्लैक कलर में है। कंडीशन आपको दिखा देते हैं इस गाड़ी की, बैक बम्पर पे भी जो है सेंसर मौजूद है। तो अंदर से कंडीशन आपको दिखा देते हैं, और ये चारों डोर इसके पावर हैं। ये अंदर से कंडीशन है, LCD लगी है, सीटें इसकी फैब्रिक में है। ठीक है, एयर बैग इसमें मौजूद है, और नॉन एक्सीडेंटल है ये गाड़ी। ये बैक डोर देख लें आप, ये ब्लैक पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है, और ये अंदर से कंडीशन है गाड़ी की, ये देख लें आप। और ये थी गाड़ी मैंने आपको दिखा दी है, इंजन आपको दिखा देते हैं इसका किस कंडीशन में है इसका इंजन। ये इसके इंजन की कंडीशन है, और ये देख लें आप बोनट इसका, ये कंडीशन है इसके इंजन की। और ये थी गाड़ी मैंने आपको दिखा दी है, 19 लाख इसकी डिमांड कर रहे हैं, 15/19 है। और ये थी गाड़ी जो मैंने आपको दिखा दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, और गाड़ी जिस तरह मैंने आपको दिखाई है ये भी पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। तो ये है सुजुकी कल्टस सिल्वर कलर में, ये 2005 का मॉडल है, लाहौर नंबर पर ये गाड़ी रजिस्टर है। व्हील कप आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, और ये 2005 का मॉडल है, और 5,30,000 ये डिमांड कर रहे हैं। और ये गाड़ी है जो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, और ये बैक साइड से कंडीशन है इस गाड़ी की। ठीक है, VXR है ये। ठीक, अंदर से भी गाड़ी कंडीशन आपको दिखा देते हैं क्या कंडीशन है इस गाड़ी की अंदर से। ये अंदर से कंडीशन है, सीटें इसकी जो है ना लेदर में है, लेदर नहीं फैब्रिक है, फैब्रिक में सीटें हैं। ये मैनुअल में गाड़ी है, डोर भी इसके मैनुअल में है, और ये गाड़ी की बैक सीटों की कंडीशन है।
और इंजन आपको इसका दिखा देते हैं क्या कंडीशन है इसके इंजन की। अभी ये जो है ना बोनट नहीं खुल रहा, पता नहीं क्या वजह है, उसकी डिमांड आपको बता दी गई है 2005 का मॉडल है और 5,30,000 ये डिमांड कर रहे हैं। और ये ओनर का से कॉन्टेक्ट करने का तरीका आपको बता दिया गया है। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। ये डाई हार्ट सो एसी है, ESSE इसका नाम है, मुझे सही तरह नहीं आता। बाकी ये ब्लैक में है, कंडीशन आपको दिखा देते हैं इसकी। अलॉय व्हील इसमें मौजूद हैं और ये 2007 का मॉडल है और 11 के इंपोर्ट है, 11 का नंबर लगा है, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने आपको बता दिया। बाकी आप ओनर से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं डिटेल से। ये है इसका नाम एसी या एसी जो भी है इसका नाम। अंदर से कंडीशन आपको दिखा देते हैं। डोर इसके चारों पावर है, LCD लगी है, ऑटो ट्रांसमिशन में है ये गाड़ी। और ये बैक से आपको कंडीशन दिखा देते हैं इस गाड़ी की, बैक सीटों की कंडीशन। और ये बैक सीटों की कंडीशन है, ये देख लें आप। बैक डोर भी इसके पावर है, इंजन दिखा देते हैं आपको अगर इसका बोनट खुल जाता है तो। ये तो ये इसके इंजन की कंडीशन है आपके सामने, और ये देख लें आप 2007/11 9,50,000 ये डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की। ये आपके सामने है गाड़ी, मैंने आपको दिखा दी है। और चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। जी मेहरान 2016 का मॉडल है और ये इसके इंजन की कंडीशन है। गाड़ी की डिटेल से आपको दिखा देते हैं। व्हील कप इसमें मिल जाते हैं आपको। ये बैक साइड से इसकी कंडीशन है, VXR है। और अभी अंदर से गाड़ी है आपको दिखा देते हैं। ये अंदर से गाड़ी है और AC इसमें लगा है, ये देख लें आप। और ये बैक से अभी आपको गाड़ी की कंडीशन दिखा देते हैं। और ये बैक से गाड़ी की कंडीशन है, देख लें आप। ये डोर की कंडीशन देख लें, इंजन भी अभी आपको दिखा दिया गया है, डिमांड बता देते हैं आपको। ये 7,70,000 इस गाड़ी की डिमांड कर रहे हैं और इसमें कमी बेशी हो जाएगी। ओनर का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी। ओके वैगनार 2017 का मॉडल है, 13,90,000 ये डिमांड कर रहे हैं, 13,90,000। इंजन की कंडीशन आपको दिखा देते हैं क्या कंडीशन है। और ये इसके इंजन की कंडीशन है और ये बोनट है, ठीक है। अभी बाहर से भी आपको कंडीशन दिखाते हैं और अंदर से भी दिखा देते हैं कंडीशन। ये बैक साइड से इस गाड़ी की कंडीशन है, ये इस तरफ से इस गाड़ी की कंडीशन है और अंदर से गाड़ी की कंडीशन आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है। ये इस गाड़ी के अंदर से कंडीशन है, डोर इसके मैनुअल में है, ठीक है, गाड़ी भी मैनुअल में है। ये अंदर से कंडीशन आपको दिखा देते हैं बैक से। ये बैक डोर की कंडीशन है और ये बैक सीटों की कंडीशन है। इंजन अभी आपको दिखा देते हैं किस कंडीशन में है इसका। इंजन आपको अभी दिखा दिया है और ये डिमांड लिखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन आर 2017 मॉडल 13,90,000 ये डिमांड कर रहे हैं। ओनर से कॉन्टैक्ट करने का तरीका आपको बता दिया गया। मित्सुबिशी के वैगन, ये भी ब्लैक कलर में है, एक और मिल गई है। और ये 2017 का मॉडल है और 21 की इंपोर्ट है, 18,00,000 इसकी डिमांड कर रहे हैं। गाड़ी की कंडीशन आपको दिखा देते हैं, नंबर लगा है इसमें पंजाब का, अलॉय व्हील इसमें लगे हैं, ठीक है। गाड़ी की कंडीशन आपको दिखाते हैं। ये बैक से कंडीशन है इस गाड़ी की और ये इस साइड से कंडीशन है इस गाड़ी की। अंदर से दिखा देते हैं गाड़ी की कंडीशन। ये अंदर से कंडीशन है इस गाड़ी की, ये देख लें आप, इसके चारों डोर पावर हैं और ये कंडीशन है अंदर से गाड़ी की। LCD लगी है, एयर बैग इस गाड़ी में मौजूद है और ये बैक सीटों से कंडीशन है इस गाड़ी की, देख लें आप। इंजन आपको दिखा देते हैं अभी क्या कंडीशन है इसके इंजन की। और ये इसके इंजन की कंडीशन है और ये बोनट की कंडीशन है, ये देख लें आप इसका इंजन। डिमांड आपको बता दी गई है, 18,00,000 ये डिमांड कर रहे हैं, 17/21 है ये, ठीक है, मित्सुबिशी के वैगन। जी तो ये इस गाड़ी के ओनर हैं, इनसे पूछते हैं ये डिमांड कितनी कर रहे हैं। इसकी डिमांड है 18,00,000 रुपये। अच्छा, इसमें कमी बेशी हो जाएगी? कमी बेशी हल्की फुल्की हो जा रही है, ठीक है। और ये 17 मॉडल है और 21 की इंपोर्ट है, ठीक है। और ये गाड़ी आपको कितनी माइलेज देती है, कितनी आपको? ये कम से कम शहर के अंदर अंदर 17-18 दे जाती है और लॉन्ग पे 19-20 दे जाएगी, ठीक हो गया। और ये गाड़ी AC इसका कैसा है? AC बिल्कुल ठीक है, 100% कंडीशन है इसकी। और आप कहाँ से आए हैं? मैं डिसी कॉलोनी से आया हूँ।
तो अभी तक किसी ने लगाया रेट इसका? अभी तक इसका कोई आया नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश है कि अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कोई ना कोई आ जाएगा। चलो अल्लाह करे। ये थी इनकी गाड़ी, आपको इनका रिव्यू भी दे दिया गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये रिव्यू भी पसंद आया होगा और ये गाड़ी भी पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। तो इसके बाद ये है गाड़ी होंडा विजल, ये डार्क ग्रे कलर है इसका, 2015 का मॉडल है और 21 की इंपोर्ट है। रेड पैकेज में है ये गाड़ी, टोटल जेन्युइन है ये गाड़ी। कंडीशन आपको दिखा देते हैं। और ये इस गाड़ी का जो है अलॉय व्हील की डिज़ाइन है, अलॉय व्हील का डिज़ाइन। और 42,50,000 इसकी डिमांड है। और ये अंदर से कंडीशन आपको दिखा देते हैं, उससे पहले आपको बाहर से कंडीशन दिखा दें। ये बैक से कंडीशन है इसकी, ठीक है, जेड पैकेज है ये गाड़ी। ये इस साइड से आप इस गाड़ी की कंडीशन देख सकते हैं। तो अंदर से दिखा देते हैं आपको गाड़ी, और ये गाड़ी अंदर से आपको दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी अंदर से कंडीशन। ये ऑटो ट्रांसमिशन में LCD लगी है, आगे सीटें इसकी फैब्रिक में भी है, ये दरमियान से फैब्रिक में है, साइडों से ये जो है ना लेदर में है। कंडीशन आपको दिखाते हैं, ये देख सकते हैं बैक से कंडीशन इस गाड़ी की। और अब इसका इंजन आपको दिखा देते हैं, हाइब्रिड है ये गाड़ी। ये इसका इंजन है, ये देख लें आप, और ये बोनट आप देख लें। ये कंडीशन है इस गाड़ी की, डिमांड आपको बता दी गई है, 42,50,000 इस गाड़ी की डिमांड है। 2015 का मॉडल है और 21 की इंपोर्ट है, जेड पैकेज है। और ये गाड़ी थी जो कि मैंने आपको डिटेल से दिखा दी है, ओनर का नंबर है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। होंडा स्विक वाइट मीटर में 2018 का मॉडल है और ये ग्रे कलर में है। कंडीशन आपको गाड़ी की दिखा देते हैं, गन मेटालिक कलर में है ये गाड़ी। और कंडीशन आपको दिखाते हैं डिटेल से, ये साइड से लुक है इसकी, और ये बैक से कंडीशन है, 1.8 ओरियल है होंडा स्विक। कंडीशन आपको अंदर से भी दिखाते हैं इसकी, ये देख सकते हैं आप इसकी डिग्गी। अंदर से कंडीशन आपको दिखाते हैं क्या कंडीशन है। और ये अंदर से कंडीशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्टार्ट का बटन मौजूद है, ऑटो ट्रांसमिशन में ये गाड़ी। और ये इसके डोर की कंडीशन आप देख लें, बाकी बैक से कंडीशन आपको दिखा देते हैं। और ये बैक सीटों की कंडीशन है, और ये देख लें आप। अभी इसके इंजन की हालत आपको चेक कराते हैं। ये इसका इंजन है और AC चल रहा है, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली रेस दे रहा है इसका इंजन, ये देख लें आप। और ये थी गाड़ी जो मैंने आपको दिखा दी है, 36,00,000 ये डिमांड कर रहे हैं, 36,00,000 ये डिमांड कर रहे हैं। 2018 का मॉडल है वाइट मीटर में। तो उम्मीद करता हूँ ये भी गाड़ी आपको पसंद आई होगी। ओनर का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, NS मोटर का, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो ये टोयोटा क्रोला GLI है, सिल्वर कलर में है। ये गाड़ी आपको डिटेल से दिखा देते हैं, ऑटो ट्रांसमिशन में है। और ये 2017 का मॉडल है और 26,50,000 ये डिमांड कर रहे हैं। ये इसके अलावा व्हील का डिज़ाइन आप देख लें, और ये गाड़ी आपको दिखाते चलते हैं। ये बैक साइड से इस गाड़ी की कंडीशन है, लाहौर नंबर पे ये गाड़ी रजिस्टर है, टोयोटा क्रोला GLI है, ऑटो ट्रांसमिशन में। अंदर से गाड़ी आपको दिखा देते हैं, ये इसके डोर की कंडीशन है, डोर चारों पावर है। और ये आप देख सकते हैं ऑटो ट्रांसमिशन में है ये गाड़ी, बीच कलर में इसकी सीटें हैं और LCD इसमें लगी है। बैक सीटों की कंडीशन आपको दिखाते हैं, ये बैक सीटों की कंडीशन ये है, और ये डोर की कंडीशन है, ये बैक डोर भी पावर है। और इसके इंजन की कंडीशन आपको दिखा देते हैं, ये इसके इंजन की कंडीशन है। और ये देख लें, आपको डिमांड आपको बता दी गई है, 26,50,000 ये डिमांड कर रहे हैं। और ये टोयोटा क्रोला GLI है, ऑटो ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, सिल्वर कलर में है, आपको दिखा दी गई है। चलते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। इसके बाद ये है गाड़ी होंडा स्पाइकी, स्काई ब्लू कलर है इसका। डिमांड आपको इसकी बता देते हैं और मॉडल भी बता देते। और ये 2018 का मॉडल, 2012 का मॉडल है और 2018 की इंपोर्ट है। और 25,00,000 ये डिमांड कर रहे हैं इस गाड़ी की। कंडीशन आपको दिखा देते हैं, ये अलॉय व्हील का डिज़ाइन है, और ये बैक से गाड़ी आप देख लें, ये बैक से कंडीशन है इस गाड़ी की, होंडा स्पाइकी है ये। तो ये बैक से आपको दिखा देते हैं, अगर खुल जाती है, मेरे ख्याल से अभी लॉक हो गई है, नहीं खुल गई है।
हाइब्रिड है ये। ये बैक से कंडीशन आप देख लें, फाइव सीटर है और गाड़ी की अंदर से कंडीशन आपको दिखा देते हैं। ये अंदर से कंडीशन है, बिल्कुल कंडीशन जर्मन कंडीशन में है गाड़ी। हम लोग का कहना है कि ये जर्मन कंडीशन में है गाड़ी। ये ऑटो डोर हैं इसके चारों, और ये साइड एक ऑटो है और एक मैनुअल में है, आपको करनी पड़ती। ये देख लें इस साइड से, ये एलसीडी लगी है इसमें, और ये गाड़ी ऑटो ट्रांसमिशन में है। ये गाड़ी है अंदर से जो कि आपको दिखा दिया डिटेल से। इंजन भी अभी आपको दिखा देते हैं इसका, और ये इसका इंजन है। इंजन की कंडीशन आप देख लें, टोटल जेन्युइन है गाड़ी। 25 लाख ये डिमांड कर रहे हैं। 2012 का मॉडल है और 2018 की इंपोर्ट है होंडा स्पाई की। ये तो ये है सुजुकी मेहरान, 2018 का मॉडल है, लाहौर नंबर पर रजिस्टर है। गाड़ी में व्हील कप मौजूद हैं, कंडीशन आपको दिखा देते हैं। ग्रे कलर में है गाड़ी, तो ये अंदर से कंडीशन आप देख सकते हैं, और ये बैक साइड से कंडीशन आप देख लें, ठीक है। और ये कंडीशन आप देख सकते हैं, रबी इसके अंदर से कंडीशन दिखा देते हैं इस साइड से। ये कंडीशन है अंदर से, और ठीक है। इंजन अभी आपको दिखा देते हैं, ये इसके इंजन की कंडीशन है जो कि आपके सामने है, और ठीक है। ये डिमांड कर रहे हैं 9.5 लाख ये डिमांड कर रहे हैं, इसमें कमी बेशी हो जाएगी। ये तो ये है प्रिंस पर्ल, ये वाइट कलर में है, 2020 का मॉडल है, और 9 लाख ये डिमांड कर रहे हैं गाड़ी की। और ये इसके व्हील अलॉय व्हील का डिज़ाइन है जो कंपनी फिटेड है और कंपनी की तरफ से आता है। ये साइड लुक है इसकी, और बैक साइड से आपको इसकी कंडीशन दिखा देते हैं। ये बैक साइड से कंडीशन है, ठीक। ये है प्रिंस पर्ल, अंदर से कंडीशन आपको दिखाते हैं। उससे पहले इसका इंजन आपको दिखा दें, ये इसके इंजन की कंडीशन है, और अभी अंदर से कंडीशन आपको दिखा देते हैं। ये इसके डोर पावर हैं चारों, और ये अंदर से कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, ये अंदर से कंडीशन है, और ये ठीक है, ये कंडीशन है अंदर से। तो डिमांड 9 लाख है इसकी, इसमें कमी बेशी हो जाएगी। उन लोग का कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उससे रब्ता कर सकते हैं। ये है प्रिंस पर्ल। उसके बाद ये गाड़ी मिल गई है सुजुकी स्विफ्ट, 2015 का मॉडल है, लाहौर नंबर पे ये गाड़ी रजिस्टर है। ग्रे कलर है, अलॉय व्हील इसमें लगे हैं। कंडीशन आपको इसकी दिखा देते हैं, ये बैक साइड से कंडीशन है इसकी। 1.3 DLX लिखा हुआ है यहाँ पे, और कंडीशन आपको दिखा देते हैं इसकी। ये बैक से कंडीशन है, तो ये इस साइड से कंडीशन है। इंजन आपको दिखा देते हैं इसका, ये इसके इंजन की कंडीशन है, ठीक है। और 2015 का मॉडल है ये सुजुकी स्विफ्ट, और 15 लाख ये डिमांड कर रहे हैं। अंदर से कंडीशन आपको दिखा देते हैं। चारों डोर पावर है इसके, और मैनुअल में है ये गाड़ी, ठीक। एलसीडी इसमें नहीं लगी है, और ये देख लें आप अंदर से कंडीशन। अभी शाम हो गया, इस वजह से ये आपको सही इतना दिखाई नहीं दे रहा, पिक्सल पटे हैं। ये गाड़ी थी जो कि मैंने आपको दिखा दी है, और सुजुकी एवरी, ये सुजुकी एवरी है, 2013 का मॉडल है और 2016 की इंपोर्ट है, ऑटो है। 12,25,000 ये डिमांड कर रहे हैं। व्हील कप आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं, और ये कंडीशन आपको दिखाते चलते हैं। ये कंडीशन है इसकी बैक से, और ये बैक से कंडीशन है इसकी। लाहौर नंबर पे ये गाड़ी रजिस्टर है, एलसीडी बैक कैमरा लगा है, और गाड़ी अंदर से आपको दिखा देते हैं क्या कंडीशन है इसकी अंदर से। फ्रंट डोर इसके पावर है, और ये गाड़ी भी जो है ना ऑटो ट्रांसमिशन में, एलसीडी इसमें लगी है, बैक कैमरा लगा है। ये कंडीशन है गाड़ी की अंदर से, और ये गाड़ी है अंदर से सीटों की कंडीशन है, और ये बैक सीटों की कंडीशन है। और ये गाड़ी देख लें आप, आपको दिखा दी गई है ये गाड़ी,
डिमांड है इसकी 12,15,000-12,25,000 है, इसमें कमी बेशी हो जाएगी। तो ये सुजुकी एपीवी है, गोल्डन कलर में है और 2006 का मॉडल है। एपीवी सुजुकी एपीवी 2006 का मॉडल है, 13,50,000 ये डिमांड कर रहे हैं। टोटल जानियन है, अलॉय व्हील इसमें मौजूद है। तो कंडीशन आपको अंदर से दिखा देते हैं। ये गैस पे ये गाड़ी वर्क करती है, इसका इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में एलसीडी लगी है। और ये डोर इसके जो है ना ऑटो है। ये बैक डोर की कंडीशन आपको दिखा देते हैं। ये बैक डोर की कंडीशन है और ये बैक सीटों की कंडीशन है, ये आप देख सकते हैं नीचे से। और ये छत आप देख लें, यहाँ से एसी की हवा आती है। और अभी पीछे से देखते हैं पीछे से कैसे गाड़ी खुल गई। तो हाँ जी, अच्छा तो ये बैक साइड से कंडीशन है इस गाड़ी की। और ये थी गाड़ी जो कि मैंने आपको दिखा दी है, ये साइड से भी आप देख लें। सुजुकी एपीवी है, फिर 2006 का मॉडल है, 13,50,000 ये डिमांड कर रहे हैं। ओनर से कॉन्टेक्ट करने का तरीका आपको बता दिया गया। तो ये ढाई हार्ट सौ हाईजेट है, 2014 का मॉडल है और 2019 की इम्पोर्ट है। कंडीशन आपको दिखा देते हैं इसकी, अलॉय व्हील लगे हैं, ब्रांड न्यू टायर लगे हैं, वाइट कलर में है ये गाड़ी, जर्मन है, टोटल जेन्युइन है। एसी चालू कंडीशन में है, ऑटो ट्रांसमिशन में है ये गाड़ी। ये बैक से कंडीशन है, अंदर से गाड़ी आपको दिखा देते हैं। एलसीडी इस गाड़ी में लगी है, ठीक है। और ये गाड़ी की सीटों की कंडीशन है। और ये मैनुअल में है ये गाड़ी, डोर इसके मैनुअल में आपको ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। गाड़ी ऑटो में है और ये अंदर से सीटों की कंडीशन है, इधर इस साइड, ठीक है। और ये इस गाड़ी के ओनर है, कंडीशन आपको दिखा देगी। ये 9.5 लाख ये डिमांड कर रहे हैं, फिर ओनर से कॉन्टैक्ट करने का तरीका आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पर इस जुम्मा बाजार की वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, क्योंकि मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग, यहाँ पे गर्मी में वीडियो बनानी और बहुत कुछ। यहाँ से मैं यहाँ तक वीडियो बनाने आता हूँ तो मैं 15-20 किलोमीटर यहाँ आता हूँ चाल के वीडियो बनाने के लिए सिर्फ। और आपकी आदर आता हूँ, आप वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और आप कॉमेंट करें। मैं यहाँ पर वीडियो का अख्ताम कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।